नमः शिवाय। आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन व्रत कथा सोमवती अमावस्या की सुनना बहुत शुभ और फलकारी माना जाता है। इससे वैदव्य योग कुंडली में समाप्त होता है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कुंवारी लड़की भी अगर इस कथा को सुनती है तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ ही उसमें स्त्रियों के सुंदर सुशील गुण आने लगे। वह बहुत ही सुंदर सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण देवता उनके घर एक साधु जो है किसी न किसी स्वरूप में आए और कन्या की सेवा से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि हथेली में तो विवाह का योग ही नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से पूछा कि ऐसा कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह के योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत संस्कारों से संपन्न और पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि ये उसकी सेवा करे तो इसके बुरे योग कुंडली से पूर्ण रूप से कट जाएंगे। साधु ने यही कहा कि यह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करने लगी और अपने घर वापस आ जाई और पूर्ण रूप से जो है वही यही कार्य करने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे कार्य कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा यह सारे काम सुबह जो है आप कर लेती हैं और मैं तो बहुत देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि ऐसा कौन है जो सुबह आकर घर का सारा काम कर जाता है। कई दिनों बाद धोबन ने देखा कि एक अन्य कन्या जो है अंधेरे में घर आती है और घर के सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर हमारे घर के सारे काम भला क्यों करके जा रही हैं। तब ब्राह्मण कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी। उसने उसके जो है तेजस्व का इतना सुंदर प्रभाव था जिसकी वर्णन अद्भुत कहा गया है। वह संपूर्ण बात मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे। उसने अपनी बहू से अपने आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं जो है आज सोमवती अमावस्या है, पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा लगाने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। घर के ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर पीपल पेड़ की 108 बार परिक्रमा की, विधि विधान से पूजन किया और बाद में जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके तेजस्व से, उसके ओज से, सोमवती अमावस्या पूजा के फल से और पीपल वृक्ष की पूजा से उसके पति जीवित हो उठे। इसलिए माना जाता है कि इस व्रत को करने से बहुत अधिक पुण्य प्रताप की प्राप्ति होती है और साथ ही उस लड़की का भी वैदव्य योग और विवाह न होने की जो उसके कुंडली में योग थे, सोना धोबिन के जूठे सिंदूर को लगाने से और उसके घर सेवा करने से उसे राजी खुशी एक सुंदर परिवार मिला और वह पूर्ण रूप से उस घर में गई और खूब वह घर धन धान्य से परिपूर्ण था। तो इस तरह से यह आज सोमवती अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सोमा धोबिन की कथा है। इस तरह से कहा जाता है, कथा में भी वर्णित है, जो भी आज 108 परिक्रमा जो भवरी के स्वरूप में कही जाती है पीपल वृक्ष की परिक्रमा के स्वरूप में करता है और विशेष तौर पर आप पीपल देवता के समक्ष विधि विधान से पूजन कर दीप प्रज्वलित करता है, उसके जीवन में कुंडली में वैदव्य योग खत्म होता है और अखंड सौभाग्य का कुंवारी लड़की और सुहागिन महिलाओं को वर और घर की प्राप्ति होती है। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए हर हर महादेव, जय श्री गौरी मैया की। बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे।
एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और उसमें नाम जो है चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए, सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग मैं जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमानों की आंख खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो वह हैरान हो गए। जब राजा को इस बात का पता चला कि उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम देखती थी। रानी रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ, वहाँ क्या चमकीली सी एक चीज चमक रही है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के पास गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। तभी शांति से दिए से सभी सवाल किए और उन्होंने कहा, तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया, वह रानी का दिया है। उसने आगे की बात बताई कि रानी के मिठाई चोरी करने की वजह से चूहे ने रानी के जो कपड़े थे, साड़ी थे, मेहमानों के कमरे में रख दिए थे और बेकसूर रानी को सजा मिल गई थी। यह सारी बातचीत सैनिक ने महल में जाकर राजा को बताई। इसके बाद राजा ने रानी से माफ़ी मांगी और उसे महल में ससम्मान वापस बुलाया। ऐसी महिमा है पीपल पेड़ के नीचे दीपदान की। आज के दिन कहा जाता है, आज के दिन जो महिला पुरुष दीपदान करता है पीपल वृक्ष के नीचे और विधि विधान से पूजन करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी विपदा पीपल देवता की, जिस तरह से उसने दीप प्रज्वलित कर अपने दोषों से मुक्ति पाई, ठीक उसी प्रकार से उसके जीवन में निश्चित रूप से जीवन ज्योति जलती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन यह सुंदर दो कथा वर्णित है। आप सभी ने सुनी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज आप भी खूब सुंदर स्वरूप में शाम के समय पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करें, विधि विधान से पूजन करें, एक समय का भोजन ब्राह्मण देवताओं के समक्ष प्रस्तुत करें, अर्थात दान के रूप में दीजिएगा। आज का दिन एक से चमत्कारी दिन माना जाता है। आज के दिन किया गया अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहायक होता है। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ दिन है, इस दिन का खूब लाभ उठाएं। महादेव के मंदिर में दीपदान करें, विधि विधान से पूजा करें, निश्चित रूप से मन की कामना सिद्ध होगी और आने वाली विपत्ति भी टल जाएगी। आप सभी सुंदर स्वरूप में कोई ना कोई सुहाग की वस्तु भी आज जरूर से दान करें, ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से बहुत सुख प्राप्त होता है।